गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल VP ITI टेक्नीशियन में। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। स्टील ऑथराइज ऑफ लिमिटेड इंडिया की तरफ से जो दुर्गापुरा स्टील प्लांट है वहां से, ठीक है, दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट है सेल का, शॉर्ट फॉर्म सेल, वहां से एक वैकेंसी जारी की गई है। हाल ही इसका आप यदि पोस्ट वाइज देखे जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट और कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितना एज क्राइटेरिया है, वो सब आपको बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी कैटेगरी इसकी पोस्ट हैं, जिसके अंदर बैचलर डिग्री आपको चाहिए फुल टाइम के लिए, इंजीनियरिंग भी हो सकती है, नॉन इंजीनियरिंग भी। इसके साथ ही साथ यदि एज का क्राइटेरिया देखा है तो 30 बरस है, जो कि जनरल के लिए है ये सारा, और बाकी सबके लिए जितनी छूट है वो मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 3 नंबर की पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। यदि सेकंड नंबर पर देखा जाए तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जो कि बॉयलर ऑपरेशन के लिए यू चाहिए, उसके अंदर आपका मेट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 ईयर डिप्लोमा जो होता है बॉयलर के अंदर वो चाहिए, 30 वर्ष इसमें भी एज क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 9 है, 7 DSP में और ASP में 2 पोस्ट हैं। यदि नंबर 3 पर हम आए तो अटेंडेंस कम टेक्नीशियन केबल जॉइंटर के लिए इसमें चाहिए मैट्रिक ग्रेजुएशन यानी 10th के साथ साथ आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप इसमें एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको, इसके 33 KV पर वर्किंग एक्सपीरियंस का लाइसेंस आपको चाहिए, 30 वर्ष एज इसके अंदर भी है और DSP में इसकी वैकेंसीज है नंबर ऑफ 3। नंबर ऑफ 4th पे यदि आप आए पोस्ट नंबर 4 पे तो पोस्ट का नाम है मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर ट्रेनी, वो जो नर्सिंग स्टाफ की जिसके अंदर जरूरत पड़ेगी, तो BSc आपकी कंप्लीट होने चाहिए नर्सिंग स्टाफ के लिए और 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। इसके अंदर 28 वर्ष एज क्राइटेरिया है जनरल के लिए। DSP में पोस्ट हैं अच्छी खासी हैं, 20 पोस्ट हैं। यदि आप नीचे आकर देखें नंबर ऑफ 5 के लिए देखें तो नंबर ऑफ 5 के लिए मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर ट्रेनी की है पैरामेडिकल में, तो BSc फुल टाइम के लिए और 2 ईयर का आपका ड्यूरेशन का एक डिप्लोमा होना चाहिए, 28 वर्ष इसकी जनरल के लिए मैक्सिमम क्वालिफ है। इसके साथ ही साथ DSP में इसकी 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। नंबर ऑफ 6 पे यदि हम आएँ तो अटेंडेंस कम टेक्नीशियन की जो कि ट्रेनी है, तो हाई प्रेशर वेल्डर की इसमें ज़रूरत है, वो आपके लिए इसकी अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए तो मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास प्लस ITI आपकी कंपलसरी चाहिए। इसके साथ साथ एज क्वालिफिकेशन देखी जाए तो 28 वर्ष है और DSP में इसकी पोस्ट है 5। लास्ट में नंबर ऑफ 7 जो पोस्ट नंबर है उसमें है अटेंडेंस कम ट्रेनी टेक्नीशियन ट्रेनी, तो इसके अंदर दोस्तों एक इलेक्ट्रिशियन की 25 पोस्ट हैं, फिटर की 20 पोस्ट हैं और मशीनिस्ट की 10 पोस्ट हैं और वेल्डर की 5 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी खासी पोस्ट हैं दोस्तों, 10th प्लस ITI इसमें कंपलसरी है। इसके अलावा कोई आपको वर्किंग एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत नहीं है, 28 एज का क्राइटेरिया है जो जनरल के लिए है, और DSP टोटल इन सभी पोस्टों को यदि टोटल किया जाता है तो हमारे पास 60 पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों 25 पोस्ट इलेक्ट्रिशियन में, 20 फिटर में और मशीनिस्ट में 10 और वेल्डर के लिए 5, तो ये बिल्कुल 10 प्लस ITI की है, इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं चाहिए। यदि दोस्तों फॉर्म फिलअप का देखें तो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 6 जनवरी 2020 मंडे से, और लास्ट डेट इसका रहेगा 27 जनवरी 2020 मंडे। दोस्तों ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सेल के अंदर अपना एक अच्छी खासी जॉब प्राप्त करने का, क्योंकि सेल में बहुत अच्छी सैलरीज, इसके साथ ही साथ बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी मिलती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो इसमें अटेंडेंस कम टेक्नीशियन कि जो नंबर पहली पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन जिसमें 25 पोस्ट हैं, तो दोस्तों इसके लिए अपने ही इस चैनल पर टेक्नीशियन का तो टेक्निकल तो करा ही जाता है, प्लस नॉन टेक भी अपने पास यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें और अच्छे से टेक्निकल को कवर करें, कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो अपने बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।